अगर हम फ्लिप साइड पे ऑस्ट्रेलिया का अप्रोच देखे टुवर्ड्स दिस चेज, व्हेन मिच मार्श एंड ट्रैविस हेड वर बैटिंग, द रन रेट वाज प्रीटी मच अंडर देयर कंट्रोल. इवन देन दे वर स्कोरिंग एट 9, 10 एंड ओवर, बट इट वाज इन देयर हैंड्स एंड इट लुक्ड लाइक ऑस्ट्रेलिया विल स्मूथली चेज एंड सेल डाउन दैट यू नो स्कोरबोर्ड, कंप्लीट फिनिश द गेम. जो हमने पहले भी मैच से पहले भी बात की थी कि व्हाट डू दे डू वंस देयर ओपनर्स फेल, हाउ विल यू असेस कि आज की चेज कैसे उन्होंने, कहाँ पे आपको लगता है सबसे मेजर गलतियाँ हुई आज ऑस्ट्रेलिया से? रोहित शर्मा तो एक तो मेक श्योर किया कि वो एक अच्छी इनिंग खेले, और मेरे ख्याल से ये सारा जो पहले इनिंग का जो वो था ना, वो सारा रोहित ने, वो कहते ना मेला लूट लिया. उनकी अगर मैं पार्टनरशिप की बात हूँ, 87 रन की पार्टनरशिप हुई है पंट के साथ, उसमें से 66 रन हैं उनके, उन्होंने फ्रंट से लीड किया. देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग जो भी कैप्टन जीतेगा, क्योंकि पिच रिपोर्ट भी ये कह रही थी और दोनों कैप्टन भी है, तो हमने ये भी कहा कि चलो अच्छा हो गया कि इंडिया टॉस हार गया, तो ये उनके लिए अच्छा है, वो खुल के खेलेंगे. और अगर मैं दूसरे एंड पे देखूँ तो हेजलवुड भी बॉल कर रहे थे. कितने रन दिए उन्होंने? 4 ओवर में 14 रन, जिसमें से 2 ओवर तो उन्होंने पावर प्ले में किए हुए. तो कितने रन थे वहाँ पर उनके? तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए आपको ये लर्न करना है कि एक जो फास्ट बॉलर है वो बेंच पे आपने रेस्ट किया या बिठा दिया, उसके बाद उसको क्यों ओवर पहला करना है. तो देखिए, ये जो हम बात करते हैं T20 में बाज़ करते हैं, एक एक ओवर से आप जो है या तो गेम से बाहर हो जाते हैं या गेम में आ जाते हैं, और एक ही मोमेंट पे आप जो है वो गेम में आ जाते हैं. वो क्या मोमेंट थी? अक्षर पटेल का वो कैच.